नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और हमारी खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। मोदी सरकार लगातार रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे में बड़े अपडेट कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है और देश के कई हिस्सों में न्यू इंडिया की इस ट्रेन को चलाया जा रहा है और इस ट्रेन को लेकर यात्रियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल ये ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होने के साथ साथ लोगों के समय की भी बचत कर रही है। शताब्दी के मुकाबले ये ट्रेन कम समय लेती है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को कई रूट में शुरू किया है। ये नए भारत की नई तस्वीर है, ये नए भारत की हाई स्पीड ट्रेन है, कम समय में ज्यादा दूरी तय करने वाली। ये भारत की स्वदेशी ट्रेन है। जी हाँ, स्वदेशी टेक्निक से बनने वाली ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन अब भारत की शान बढ़ा रही है। दरअसल देश भर में कुल वंदे भारत नाम की 10 ट्रेनें अलग अलग राज्यों में संचालित हो रही हैं। वहीं अब मध्य प्रदेश को देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन मिली है, जो भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चलकर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक जाएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल से रानी कमलापति से वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है। ये जो वंदे भारत है, दरअसल ये 11वीं वंदे भारत ट्रेन है और इसी तरह से 75 वंदे भारत ट्रेन अलग अलग राज्यों में चलाई जाएंगी और एक साल में टारगेट है कि 75 ट्रेन जो है वो चला दी जाए और लगातार प्रोडक्शंस चल रहे हैं। आपको पहले हम तस्वीरें चारों तरफ दिखाते हैं, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और मूवमेंट हम करने जा रहे हैं भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली का सफ़र। दिल्ली का सफ़र किस तरह का रहेगा वो मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हमने समय को कवर किया है और एक घंटा 5 मिनट जो कम बताया जा रहा है राजधानी से, उससे क्या फ़ायदा आम जनता को होने वाला है, क्योंकि समय बहुत कीमती है। अगर हम बिजनेसमैन की बात करें जो मूवमेंट करते हैं दिल्ली की तरफ, पर्यटकों की बात करें जो दिल्ली की तरफ मूवमेंट करते हैं, या फिर किसी काम की वजह से अगर आप जा रहे हैं दिल्ली, तो इस तरह की ट्रेन आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। ये बात जरूर है कि ये चेयर है, यहां पर आपको चेयर कार देखने को मिलेगी और नॉर्मल चेयर कार है और साथ में एग्जीक्यूटिव चेयर कार है। नॉर्मल चेयर कार का किराया कम होगा, एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया ज्यादा होगा। अभी ये बताया नहीं गया है लेकिन ये माना जा रहा है कि 2000 के करीब जो है नॉर्मल चेयर का कार किराया होगा और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया करीब 3300 रुपए होगा। इसमें खाना सब कुछ इंक्लूड होगा। कुछ पैसेंजर हमारे साथ इस समय बैठे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वंदे भारत वो जब पहली बार देखते हैं अपनी आंखों के सामने तो उनको क्या फील होता है, क्या वो मानते हैं कि अब रेलवे का जो बदलाव हो रहा है, रीडेवलपमेंट जो हो रहा है, चाहे वो स्टेशंस का हो रहा हो, ट्रेन का हो रहा हो, वो बेहतर है या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ और भी बेहतर होना चाहिए। नाम क्या है मैम आपका? विजय लक्ष्मी। विजय जी, ये बताइए कि वंदे भारत ट्रेन आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से निकल रही है, किस तरह से आप इस ट्रेन को देखती हैं, आपको क्या लगता है कि ये ठीक ट्रेन है, पहले से जो अब ट्रेन का में बदलाव होना चाहिए था होने लगा है? सर, मैं तो सोचती हूँ कि बहुत अच्छा बदलाव हुआ है, आधुनिक तरीके का इस्तेमाल किया गया है इसमें, शताब्दी से भी बेटर जगह दी गई है इसमें, जैसे कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार जो है उसमें 360 डिग्री मूव करेगी वो, जिससे कि आप बाहर का नज़ारा चेयर को घुमा के देख सकते हैं, और जो नॉर्मल क्लास है तो वो तो है यहाँ पर, और इसमें जो सफ़र होगा मुझे लगता है और बेटर होगा। एक घंटा जो बच रहा है उससे फ़ायदा पहुँचेगा? जी बिल्कुल पहुँचेगा, जैसे कि जो चाहते हैं कि मतलब हमारा टाइम कम से कम लगे, शताब्दी में 8 घंटे करीब लगते हैं और इसमें 7 घंटे लगेंगे इसमें, तो हर कोई चाहता है कि टाइम का कम यूज। आने वाले समय में वंदे भारत मेट्रो भी स्टार्ट होने वाली है, तो क्या लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं फायदेमंद होगी रेलवे में? बिल्कुल, मेट्रो भी जब स्टार्ट होगी तो सभी लोगों को उसका भी लाभ पूरा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये कुछ महिलाओं का कहना है कि इसका सीधे तौर पे फायदा होगा, पुरुष मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा करते हैं, खास तौर पे परीक्षा देने के लिए उनको समय पे पहुंचना होता है या फिर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो समय पहुंचना होता है, किस तरह से देखते हैं इस ट्रेन को आप? बिल्कुल, ये एक बुलेट ट्रेन की तरह है, उससे भी जल्दी स्पीड पकड़ लेती है और अच्छी बात है हमें भोपाल से ही चल रही है, रानी कमलापति स्टेशन से बस।
आप बताइए। सर मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इसमें जो एक घंटा बचेगा वो उसका फ़ायदा ये होता है कि हम दूसरे काम भी कवर कर सकते हैं। पहले जैसे मुंबई टू सूरत जो ट्रेनें चलती थी, अहमदाबाद चलती थी, उसमें भी लोगों का टाइम कवर होता था और इसमें भी टाइम कवर हो रहा, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है भोपाल के लोगों के लिए और जो डेली अप डाउनर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि अब हम धीरे धीरे बुलेट ट्रेन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। बुलेट ट्रेन जो हमारी तैयार की जा रही है अहमदाबाद से मुंबई के लिए, तो वो ट्रेन भी जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है इस समय। बुलेट ट्रेन को लेकर के आप क्या सोचते हैं? मतलब अभी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 320 किलोमीटर प्रति घंटा, अब वो भी आएगी, फिर देखा जाएगा, अभी तो इसका एक्सपीरियंस लेते हैं। अच्छा, पहली बार बैठ रहे हैं? जी बंदा भी पहली बार। सर मेरा भी फर्स्ट टाइम है, पहली बार। हाँ, लेकिन दुरंतो में मैं बैठा था, उसके कंपैरेटिवली ये बहुत अच्छी और शताब्दी से भी 10 टाइम ज़्यादा अच्छी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। शताब्दी से 10% ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा अच्छी है, ऐसा ये कह रहे हैं। खैर, शताब्दी की अपनी एक अलग पहचान है, वो भी एक अच्छी ट्रेन मानी जाती है और समय सही समय पर चलने के लिए पहचानी जाती है। और दूसरा ये कि वंदे भारत के लिए जो एक तरह से इसका इस्तेमाल है वो भी लोग मानते हैं कि इसका इस्तेमाल लोग काफ़ी ज़्यादा करेंगे। वंदे भारत की शुरुआत हम खास तौर पर कहें तो यहाँ पर जो भोपाल से वंदे भारत जो चलाई जा रही है रानी कमलापति से दिल्ली के बीच में, ये जब चलेगी तो इसकी चलने का समय 5:40 होगा। 5:40 में ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सुबह के वक्त निकलेगी और करीब 7:45 का सफ़र करेगी। आप देखिए, पहले ये कोच अलग अलग कोच जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आज की वंदे भारत जो अभी तक 10 वंदे भारत लॉन्च की जा चुकी है, वैसे ही कोच आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा लगातार इसमें